हेलो एवरीवन आज जो मैं आपके साथ हेयर रेमेडी लेके आई हूँ ना ये आपके सफ़ेद बालों पे हंड्रेड परसेंट वर्क करने वाले हैं आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे एक मिनट के अंदर जी हाँ गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ज़्यादा कुछ मैं इसमें इंग्रेडिएंट भी नहीं ऐड कर रही हूँ मात्र टू इंग्रेडिएंट ऐड करके इसे बनाने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं चाहिएगा पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी और प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें ले लेना है सबसे पहले कोई भी वेसल ले लें ले आप कोई भी बाउल ले लें ले ले आप और इसे इंस्टेंट बनाएंगे हम और इंस्टेंट अप्लाई करने वाले हैं तो आपको रात भर इसे भिगो के भी नहीं रखना है कोई भी हीना नहीं ऐड करने वाली हूं मैं इसमें बस ये ब्लैक पाउडर मैं इसमें तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक पाउडर क्या है ये वही ब्लैक पाउडर है जो मैंने घर पे इसे बनाया है ये होम मेड आंवला पाउडर है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी बहुत ही हेल्पफुल ये होता है आंवला पाउडर तो गाइस इसे आप बना के स्टोर कर लें मैं यहाँ पे दो चम्मच आंवला पाउडर ली हूँ सेकेंड में यहाँ पे ले रही हूँ एक चम्मच हिबिस्कस पाउडर जिसे उडल का फूल का पाउडर भी बोलते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे एक चम्मच कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं गाइज यहाँ पे मैं कलौंजी का तेल लूंगी एक चम्मच अगर आपके पास कलौंजी का तेल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे कलौंजी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं आप उसे इजिली घर पे पाउडर बना सकते हैं ये वही मंगरेल है जिसे हम अचार और पराठे में डालते हैं आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ इन सबको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दें इसके बाद मैं इसमें लास्ट इंग्रेडियंट ऐड करने वाली हूँ वो है शीशम ऑयल यानी कि तिल का तेल अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो गाइस इस स्टेज पे आप कोकोनट ऑल भी ऐड कर सकते हैं बट तिलकर तेल से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप इंस्टेंट अपने सफ़ेद बालों को काला बना सकते हैं इस तरह से लगा करके और गाइस इसे लगाने के बाद धोने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कहीं पे भी इसके दाग नहीं लगते हैं बस आपको पाँच मिनट तक वेट करना है पाँच मिनट के बाद ये सूख जाता है तो आगे मैं ये भी बताऊंगी कि इसे लगाना कैसे है तो वीडियो को पूरा देखिएगा बस इस तरह से इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह से जब भी आप इसे अप्लाई करें अपने बालों पे बाल पे कोई भी तेल नहीं होना चाहिए बाल गंदा नहीं होना चाहिए दैट मीन्स कि आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए शैम्पू किए हुए होने चाहिए और दोस्तों आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे बाल और कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें मैंने कोई भी केमिकल नहीं ऐड किया है और ये आंवला पाउडर तो हमारे बालों को बिल्कुल जड़ से काला बनाता है बहुत ही कारगर है ये आंवला पाउडर आप जरूर बना के इसे रख लीजिएगा देखिए कितना बिल्कुल ब्लैक जेट कलर आया है ये और इसी तरह आपके बालों पर भी ये कलर आ जाएगा तो गाइज इस रेमेडी को जरूर अपनाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएं और कोई भी हीना लगाने की जरूरत न पड़े आपको तो इस तरह से आप बना के अप्लाई कर सकते हैं आपको ठंडी भी नहीं लगेगी सर्दी भी नहीं लगेगी और आप इसे जब भी अप्लाई करें तो टूथ ब्रश का हेल्प ले या तो आप मस्करा ब्रश से भी लगा सकते हैं जो डाई वाली ब्रश होती है ना उससे लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है डैट मीन्स कि बहुत ज्यादा उससे लग सकता है लेकिन अगर आप टूथ ब्रश से लगाएंगे ना तो आपके बिल्कुल सफेद बालों पे अच्छी तरह से ये लग जाएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा